अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल कुदरत ब्यूटी सीक्रेट में वेलकम कहती हूँ। तो जी वीवर्स, आज का ये नुस्खा बहुत ही कमाल है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप अपने बालों को सिल्की और स्ट्रेट बना सकते हैं। अब हर रोज तो हम लोग आयरन तो कर नहीं सकते अपने बालों को, रोज रोज आयरन करने से भी हमारे बाल खराब हो जाते हैं। तो आयरन से बचने के लिए मैं आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेके आई हूँ। इसको इस्तेमाल करके आप लोग अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का है और बहुत ही आसान। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज चाहिए वो है बनाना, यानि कि केला। यहाँ पर मैंने हाफ बनाना लिया है। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंडर में डालकर मैश कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। आपके बालों की जितनी लेंथ है या वॉल्यूम है, आप उस हिसाब से बनाना ले सकते हैं, यानी कि पूरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ लिया है, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है दही। 2 चम्मच भर के मैं दही इसमें ऐड करूँगी। और लास्ट में जो अब हम इसमें ऐड करेंगे वो है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। 1 चम्मच भर के जैतून का तेल इसमें ऐड करूंगी। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब आपने इस मास्क को अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, और साथ में अपने बालों पर जो लास्ट में जो मास्क बच जाए उसको अपने बालों पर अच्छी तरह अप्लाई कर लें, और इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने इसको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना है, अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लेना है और कंडीशनर कर लेना है। ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही अमेजिंग नुस्खा है और बहुत आसान। इसके इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे, और साथ में आपके बाल स्ट्रेट भी होना शुरू हो जाएंगे। ये मास्क आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही कमाल है बालों को सीधा करने के लिए। जिनके बाल कर्ली से हैं वो इस मास्क को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अगर वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इस नुस्खे से उनके बाल एक तो स्ट्रेट हो जाएंगे और सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल और आसान नुस्खा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आगे भी शेयर करें। उम्मीद है मेरे व्यूवर्स को मेरा ये नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।